अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बिंदिया का अभय से रिश्ता सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि अभय की कुंडली में पहली पत्नी के मरने का योग था। अभय ने दो बार बिंदिया को बताने की कोशिश की कि वो उससे प्यार नहीं करता, पर बिंदिया समझ नहीं पाई। वहीं अभय की प्रेमिका अपनी जान देने को तैयार थी। अभय ने तय कर लिया था कि वो शादी से पहले घर से भाग जाएगा। अब आगे राजकुमारी सा सजेगी, तोरी किस्मत खुलने वाली है आज। हमारा शादी का सपना पूरा हो रहा है, वो भी हमारे सपनों के राजकुमार के साथ। और मामा, आप यहाँ नहीं हो, आप ही तो हमारे माई और बाबा हो। जल्दी आ जाओ मामा। तुम अभी तक निकले भी नहीं, मैं वेट कर रही हूँ। अभी मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। ओके I love you. I love you too. जल्दी आओ। अगर किसी वजह से तुम नहीं निकल पाए ना अभय, तो उस बिंदिया को मारने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आज ससुरा किसी की किस्मत बदलने वाली है। जैसे ही तुम खत्म करोगे उसे, आज इस शादी में नया अध्याय लिखा जाएगा इतिहास का। ये वाला जो लहंगा है ना आपका, ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसे ट्राई कीजिए ना। ये वाला। पापा कुछ काम मेरे लिए? तुम्हारा जो लड़ना है ना, ससुरा बहुत चंचल है, और इसकी वजह से अगर आज उसने यहां से भागने की कोशिश की तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हाँ? अगर आज यहां अभय का प्यार संस्कार ना हुआ तो हमारे हाथों तुम्हारा दाह संस्कार जरूर होगा। मुंह पे मातम क्या छाया हुआ है? दूल्हे की अम्मा हो, तनिक मुस्कुराओ। आपका फोन दीजिए ना, फोन करना है।
का फोन यहाँ? अगर फोन यहाँ है तो मामा कहाँ है? अरे सत्यानाश, सवा सत्यानाश। हटते हारों की जय हो। अरे क्या आप सब बोले जा रहे हो पंडित जी मंडप में बैठ करके? अभी तो कलश भी नहीं बिराजा है, मुहूर्त में अभी से घंटा बचा है। एक घंटा सवा घंटा छोड़ो माता जी, मुझे तो लागे ब्याह भी ना हो पावे को। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ नहीं हो सकता माँ? देख रुझुन, पंडित जी का बोले जा रहे हैं, अब सगुन हो गया है, कलश खंडित हो गया है, साथी ना हो पाएगी। बिंदिया का ब्याह होना जरूरी है। अरे तभी तो अभय की पत्री से दोस्त टलेगा। पंडित जी आप भी तो जानते हैं ना, आप ही ने तो पत्री देखी थी। देख तो मैं कलश भी रहा हूँ माँ जी। कलश हम नया मंगवा देते हैं पंडित जी, आप तैयारी जारी रखे हैं। अम्मा ब्याह भी होगा, बिंदिया भी मरेगी और अभय की कुंडली से दोष भी हटेगा। मामा का फोन यहाँ कैसे? मिल गया ससुरा। अरे जाते जाते कितना ढूंढे रहे तोरे मामा, पर मिला ही नहीं। ढूंढवा ढूंढ ढूंढ के ना बौराए गए थे, और जब मिला नहीं तो बिना लिए ही गांव चले गए थे। पर मामी अरे पर ये दूसरा फोन किसका है? मैडम आपका है का? ले मामी। मामा साहब की बात कैसे हुई रही? रास्ते में से ना बड़ी मिन्नत करके कौनो से फोन लिया था। पर मामा तो एक पल के लिए भी अपना फूलवा नजर से दूर ना करे है, भूलिए कैसे? जब मिली है ना तुमको तुम्हारे मामा, तो खुद ही पूछ लेना। मेरी भांजी को राजकुमारी बनता देख ना सवेरे से बोराए घूम रहे थे। तो फिर हमरा जी काहे घबरा रहा है? ब्याह से पहले हर लड़की का दिल टुकुर टुकुर बोले है, तो फिर तुम कौन सी अलग हो? हम तो भूल ही गए थे सूरत देवता को जल चढ़ाए का है। अब बातों में बखत ना खर्च करो, जल्दी चलो। बस हम एक मिनट में आ रहे। मामी तुम नारियल उठा दो, हम दुल्हन को जल चढ़वा देंगे। जी ये बोले शंकर, हमने मामा को ठीक रखना। कहा कर दिया तुमने? बताओ भी कौन देख लेगा तो टोक देगा ना। अभी पूजा के शादी के काम में ना ऐसे आप सबको नहीं करते हैं। आओ बिटिया, ये लो सूर्य भगवान को प्रणाम करके जल चढ़ाओ।
मामा को लेकर पहले अभी भी मन ऐसे नहीं घबरायो है। उसकी रक्षा करना भोले बाबा। लीजिए पंडित जी, कलश बदल दिए। कलश तो बदल दिए हैं, पर होने का क्या करें? क्या मतलब? मतलब ये माँ जी, अब शगुन तो हो ही गयो है, अब बस किसी तरह एक घंटा जो है बीत जाए निर्विघ्न पूर्वक, तो समझो बला टल गई, नहीं तो ये ब्याह खतरे में पड़ गयो है। हत्यारों की जय हो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर मैं घर से अभी निकला तो पापा माँ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास भी एक सॉल्यूशन है। उस बिंदिया को मार देती हूँ, फिर चाहे मैं क्यों ना मर जाऊं। मामा, पता नहीं ऐसा काहे लग रहा है कि मामा यहीं कहीं हमारे आस पास है। भैया जी, हमें जाने दो, नहीं करना हमें, हमें अपनी भांजी का ब्याह यहाँ पे। मोरी बिंदिया मोरी बहन की आखिरी निशानी है भैया जी, हमें जाने दो भैया जी, हम उनको मौके मौत में कैसे धकेल सकते हैं। शर्म ना है तो है। दुल्हन बनी पूरे घर बार में घूम रही है। अरे पूरी तरह से तैयार हुई है, अब सीधे मंडप में ही बैठना है तो है। चल कमरे में चल। हाँ चल चल चल। तेरी भांजी मंडप में भी बैठेगी, विवाह भी करेगी और अपनी जान से हाथ भी धोएगी। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पापा ने उसकी कुंडली लिख डाली है। इसे कारपेट में लपेट और जैसे ही मौका मिले टेम्पो में लाते हैं और इस बला को दबा कर आते हैं। मेघा निकले नहीं ना अब तक? मेघा मैं घर से निकल ही रहा था पर क्या आप है? मेघा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर मैं घर से अभी निकला तो पापा माँ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज जस्ट लेट मी हैंडल दिस। ठीक है, मेरे पास भी एक सॉल्यूशन है। उस बिंदिया को मार देती हूँ, फिर चाहे मैं क्यों ना मर जाऊं। कुछ तो है जो ठीक ना है। हमें ऐसा काहे लग रहा है कि मामा कहीं आसपास ही है। बिंदिया एक बात बतानी है। हम बोलो ना जी जी। हमने तुम्हारे मामा पापा को कमरे में देखा। ठीक है, मेरे पास भी एक सॉल्यूशन है। उस बिंदिया को मार देती हूँ, फिर चाहे मैं क्यों ना मर जाऊं। नो मेघा, तुम ये क्या बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी मत कर बैठना। टू लेट अब है, मैं तुम्हारे घर आ चुकी हूँ। मैं जानती थी तुम घबरा जाओगे, अपनी माँ की इतनी फिक्र जो करते हो।
पर अगर मैं तुम्हें ले जाऊंगी तो तुम पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा, है ना? मेघा प्लीज, ऐसे तैश में आके कोई गलत कदम मत उठा लेना। कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ अभी। जल्दी आओ, मैं तुम्हारे हॉल में ही हूँ। और मैंने पीले दुपट्टे से अपना फेस कवर कर रखा है। मैं तुम्हें कॉरिडोर में मिलती हूँ। ओके। पार्लर वाली बुलाऊं का? तब तैयार होगे? नहीं, बस हो ही रहा हूँ। वो हॉल में शायद मेरा वॉलेट छूट गया है, वही ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी है जल्दी करो, तैयार हो जाओ। जाओ। कहाँ हो मेघा? पीला दुपट्टा? मेघा? मेघा? यहाँ बैठी रह शांति से। मुहूर्त का समय होगा तब पंडित जी बुलाइए। पंडित जी की आवाज तेरे कानों में आवेगी। कन्या को बुलाइए, तब जाइयो। ऐसे कैसे चले जाए मामी? मामा ने बिटिया की तरह पालो है, वही हमको मंडप में लेके जाइए के बिना हम एक भी विधि नहीं करिए। अरे चुप, तेरे मामा की बस आने में देरी होगी तो का मुहूर्त आके ढकेल देंगे। हमसे ज्यादा बकलोली ना करना, चुपचाप बैठी रहे, देख के आते कितनी देरी है। कुछ तो है जो ठीक ना है, अभी तो हमारा दिल दुख दुख कर रहा है। हमें ऐसा कहीं लग रहा है कि मामा कहीं आस पास ही हैं। हे भोले बाबा, अब आप ही बताओ हम क्या करें। बिंदिया, कहा हुआ जीजी? बिंदिया ना, हमको तुमको एक बात बतानी है। हाँ बोलो ना जीजी। पर पहले तुम ये वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि ये बात हमने बताई है। बोलो ना कहा हुआ। बिंदिया, हमने तुम्हारे मामा को देखा। मामा को कहाँ देखा? मामा को तुम्हारे मामा को कमरे में देखा। जुबली, अब भाई तैयार हुआ कि नहीं? जी पापा, तैयार हो ही गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो बटवा ढूंढते हुए आया था। दूल्हे को बुला लीजिए, विवाह संस्कार शुरू करते हैं। तुम खुद जाओ, उसको लेकर आओ। अगर 5 मिनट में यहाँ नहीं आया ना तो हम स्वयं जाएंगे, उसको घसीट के यहाँ लाएंगे। जाओ। ले क्या तुम पापा? कहा था ना माता जी, गड़बड़ होगी, दवा गड़बड़ होगी। हाँ, मैं घर के अंदर। मंडप पे नजर रखो, शिकार वहीं आएगा। ठीक है। मामा,
मिलेगा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मेघा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। यार सुनो तो। अबे, कब से वेट कर रही हूं मैं तुम्हारा? कहां थे? कहां देख रहे हो? वो पीली चुनरी? कौन? किसी और को मेघा समझ लिया क्या? अबे मैं यहां हूं, मैं तुम्हें लेने आई। चलो मैं यही अनाउंस कर दूंगी कि हम शादी कर रहे हैं। अभय तुम चलोगे ना? अभय अब बस जल्दी से नीचे आ जाए वरना बबाल मच जाएगा। चलो तुम पीछे के दरवाजे से बाहर जाओ, मैं तुम्हें घर के बाहर आके मिलता हूं। कुछ नहीं, चल। कहाँ देखा था आपने मामा को? कहाँ है संदूक में बंद किए? उनको गुजरा तो हम मर जाएंगे। आप एक काम कीजिए ना, अभय जी को जाके बोलिए ना, पुलिस वाले जरूर ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ। बिंदिया, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगी। माता रानी, अपने मामा की रक्षा करना। ये दरी इतनी भारी थोड़े होते हैं कि दो लोग मिलके भी उठा नहीं पा रहे। हे माता रानी, अपने मामा की रक्षा करना। ये दरी इतनी भारी थोड़े होते हैं कि दो लोग मिलके भी उठा नहीं पा रहे।